नमस्कार जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, बुटाना गांव से हैं जी सर। क्या करते हैं? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बीजेपी की पार्टी का भी, क्योंकि आप एक जो नया पैटर्न लेके आए थे एग्जाम का बिना पर्ची खर्ची गए, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे कलरक लगा हूँ। और मैं किसान का लड़का हूँ और मेरे घर में जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, जो और सिर्फ बीजेपी की वजह से ही पूरी हो पाई है। आप खुद क्लर्क बने हैं? जी सर। बहुत बहुत बधाई है आपको। कोई पैसा नहीं सर? नहीं सर, आपको तो पैसे की क्या जरूरत है। वही कई बार बीच बीच में बिचौलिया घुस जाते हैं ना, कई बार पता नहीं लगता है। नहीं नहीं सर, सर आपसे और रिक्वेस्ट थी सर, सॉरी पूरी यूथ के लिए जितने भी मतलब बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, हम सबकी तरफ से मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ सर जी, कि HSCC और जो HPSC है वो अपना सिलेबस है जो उसका मतलब एक पैटर्न बनाए, न कि मतलब कुछ भी लेवल कुछ होता है और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं सर। सिलेबस होना चाहिए उसका, सिलेबस होना चाहिए सर एक पोस्ट के लिए। अगर ग्रेजुएशन पोस्ट का तो ग्रेजुएशन पे ही हो, टेंथ का तो टेंथ पे ही हो सर। नहीं, सिलेबस क्या यानी आसान हो चाहे मुश्किल हो, होता आसान हो वो सबके लिए एक जैसा होता है। वो तो होता है सर, पर जो ट्वेल्थ के बंदे होते हैं उसको ग्रेजुएशन का मिले तो डिफिकल्ट होता है सर, हर कोई सेटल नहीं कर पाता। पर एक डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए सर जिसकी फाउंडेशन हो। ठीक है ठीक है, इस बात का मैं संबंधित लोगों को बात बताऊंगा कि कोई सिलेबस का इसका विषय बनाए, ठीक है ना जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।